नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। विलुप्त प्राय होते जा रहे सारस पक्षी इन दिनों बालाघाट और महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की सीमा पर कंग्रेगेशन में व्यस्त हैं। उड़ने वाले पंछियों में अपना अलग स्थान रखने वाले सारस पक्षी विशेषतः धान के खेतों, तालाब और नदियों में विचरण करते हैं। ये उनका अधिवास क्षेत्र है। सारस धान के क्षेत्र चरकर वहाँ नैसर्गिक रूप से कीड़ों को खाकर नैसर्गिक कीटों का नाश करते हैं। माना जाता है कि जिस खेत में सारस पक्षी विचरण करता है उसका बसेरा रहता है, वे खेत हमेशा खुशहाल रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये बात सच भी साबित होती है। ये जीव विविधता इकोलॉजी की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए सारस पक्षियों को किसानों का मित्र माना जाता है। सारस पक्षियों का परिचय सम्मेलन कॉन्ग्रीगेशन का अपना महत्व है। ये एक विशेष और महत्वपूर्ण सुखद घटना है जो अपने आप में अलौकिक है। इस दौरान सारस अपने वयस्क बच्चों को लेकर एक साथ आ जाते हैं। सुबह नीचे भैया